गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर् देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग काफी बातें सुनते रहते हैं, तो ऐसी ही अभी महात्मा जी ने जो कबीर जी का दुआ कहा सुन लेते हैं सब, उसको कोट करने में बड़ा मजा आता है। तो एक सज्जन ने आपको पूछा, स्वामी जी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिखो दियो लखाए, तो इसका क्या अर्थ है? हमने कहा क्या करोगे समझ करके, बोले नहीं समझो, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आई तो हमने कहा गारंटी देता हूं ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। भगवान और गुरु महाराज आ गए और अब किसको पहले कोई नहीं होगा। गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद गंगा एक है कहते हैं। तो ये अनेकता से हट करके एक की ओर जो मार्ग क्रमण है उसको कहते हैं अध्यात्म। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमित्यदः। मन को नियंत्रण में लाने के लिए दो मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है प्राणायाम का, प्राण बंधन, उसके द्वारा मन थोड़े समय के लिए लीन हो जाता है, खत्म नहीं होता। हमको मन को मारना है, मन को मारना माने डिप्रेशन नहीं, सप्रेशन नहीं, हमको ऐसे मारना है मन को कि फिर मन जगे ही नहीं। देखो तो उसके लिए कहते हैं कि प्राण बंधनात् लीयते मनः। प्राणायाम करो तो प्राणायाम के द्वारा मन थोड़ा शांत इसलिए हो जाता है कि प्राणायाम का प्रभाव मन का देह के साथ जो घनिष्ठ तादात्म्य है वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लग जाता है। इसको पहचानना है, जब आपका मन शांत होता है माने क्या, अब आपके मन को देहात्म भाव का रेफरेंस नहीं है, बिना किसी रेफरेंस से मन विचार नहीं कर सकता। कितनी सरल बात है, यू नीड ए रेफरेंस। और मन को रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है देहात्म भाव। यही मन सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है लेकिन वहां देहात्म भाव नहीं है, इसीलिए मन को विचार करने का रेफरेंस नहीं है, तो विचार नहीं करता। मन तो रहता है ना। हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं, निद्रा किसको कहते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। जो अभाव को विषय बनाती है उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। तो निद्रा भी वृत्ति ही है, जैसे जागृत वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और समाधि भी वृत्ति है, क्योंकि चारों के चारों चैतन्य में नहीं है, ये केवल मन में है। बुद्धि की प्रधानता से जागृत अवस्था होती है, इसीलिए जागृत अवस्था में लॉजिक बहुत चलता है। फिर मन की प्रधानता से स्वप्नावस्था होती है, इसीलिए वहां सब क्याओस होता है। उसके बाद अहंकार के प्रधानता से सुषुप्ति अवस्था होती है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा जीवन चलते रहता है,
खून बहता है, डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, ये इस अहंकार तत्व के कारण। और सुषुप्त और जो समाधि है वो होती है चित्त की प्रधानता से। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी ये चार अवस्थाएं है। ये अवस्थाएं चैतन्य की नहीं है। देखो महाराज, दुखी होने वाला पति है, आदमी नहीं है। ये चार अवस्थाएं मन की है। और जब तक के इन अवस्थाओं में रह करके इसका प्रभाव होगा, तब तक के मन मरा नहीं। तो पहले जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे मन का देह के साथ जो तादाद में, वो धीरे धीरे ढीला होने लग जाता है। उतनी मात्रा में हमारा मन शांत रहेगा। देखो, तो अनेकता नहीं होगी, लेकिन जब हम हमारा मन देह के आकार को धारण करता है, ध्यान से सुनना, आकार अनेक है, और इसीलिए यह मन आकारों का चिंतन करता है। आकारों के चिंतन को ही वृत्ति या विचार कहते हैं। निराकार का चिंतन नहीं हो सकता। देखो, तो पहले प्राणायाम के द्वारा यदि हमारे मन का देह के साथ तादाद में खत्म हो रहा है, तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि प्राणायाम का प्रभाव हमने यही देखा कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अस्थमा ठीक हो जाता है और शक्ति बढ़ती है, तो आप अब पहलवान बनने जा रहे हो, परमात्मा नहीं। देखो महाराज, तो प्राण बंधनात् लीयते मनः, और फिर एक चिंतनात् नाशमित्यदः। अब यह जो सापेक्षता के दृष्टि से शांत मन है, इस मन को आप चित्तवृत्ति निरोध में नहीं खत्म करना। योग में और वेदांत में यही मूल भेद है। योगी लोग मन से डरते हैं, और इसीलिए चित्तवृत्ति निरोधा योग, और जिंदगी भर धक्के खाते रहो, किसी का चित्तवृत्ति निरोध आज तक नहीं हुआ, उसी में पड़े रहेंगे। फिर ऐसे जो लोग हैं, उनको थोड़ा भी कहीं खटखट हो रहा हो तो विक्षेप की पराकाष्ठा, क्योंकि पहले ही वो परेशान है अपने मन के वृत्तियों से, और कहीं बाहर कहीं मौका मिला तो बदनाम करने के लिए एकदम तैयार है। इसीलिए केवल मन को शांत रखना यह अध्यात्म नहीं है। केवल मन को शांत रखने तक ही रुक गए हम, तो हम में जो मन की अनंत शक्तियां है वो प्रकट होने लग जाती है, और ये सुप्त शक्तियों के प्रकटीकरण को ही कहते हैं सिद्धियां। जितनी भी सिद्धियां है वो यही है। देखो, क्योंकि अभी वो मन में ही है, मन के बाहर नहीं आए, और इसीलिए आप देखेंगे सिद्ध महात्माओं का, बड़े बड़े संत साधकों का यही चलता है। किसी को कोई समस्या है, अब उनकी मन की सब शक्ति इकट्ठी हो गई है। जैसे सूर्य किरणों को इकट्ठा करो तो उसमें कितना तेज हो जाता है, कागज को एक सेकंड में जला देगा। इसी प्रकार से इस मन के शक्तियों को एकत्रीकरण कर लिया योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो उसमें जो सुप्त शक्तियां है वो प्रकट होने लग जाती है। इन्हीं शक्तियों के प्रकटीकरण को लेकर के पतंजलि योग दर्शन का तीसरा पाद है, जिसको कहते हैं विभूति पाद। ये विभूति पाद किसके लिए है? जिन्होंने पहले संयम को प्राप्त कर लिया है। और संयम किसको कहते हैं? जब हमारा मन देश, काल, वस्तु इन तीनों से उपरत होकर के देश काल वस्तु के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। और ऐसा जो संयमित मन है
उस मन को जहां लगाओ आप जो चाहो वो हो जाता है। देखो इसी को सिद्धियां कहते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है और महात्मा कह दे नहीं 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 अगले बार आऊंगा तो मेरे लिए लड्डू ले आना, कह दिया उन्होंने, सहज कह दिया और हो जाता है। कारण उनके मन में वो सिद्धियां जागृत हो गई है। देखो और फिर आदमी उसी में फंस जाता है। देखो हमारे भगवान रमण महर्षि, इन्होंने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, कभी किसी को नहीं बेटा ठीक है तुमकी कॉलेज में मेडिटेशन एडमिशन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। सिद्धि में आदमी फंस गया तो हम आदि दैविक क्षेत्र में रहते हैं। और आपको पुराणों की जितनी कहानियां कथाएं मिलती है वो सब आदि दैविक क्षेत्र की होती है। आदि दैविक क्षेत्र का तात्पर्य है हमारी गति केवल हिरण्यगर्भ तक है, सूत्रात्मा तक है, ब्रह्मा जी तक है, उसके परे नहीं है। ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ऐसी जो साधना करने वाले हैं उपासना के द्वारा मन की शक्ति को एकत्र करना, उनकी गति वही तक है। और इसीलिए उनमें दो चीजों का प्राधान्य होता है, एक है आशीर्वाद देना और दूसरा है शाप देना। इसीलिए ऐसे लोगों ऐसे महात्माओं से सब डर डर के रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता हो जाता है। देखो ऐसे अग्नि को किसी को जलाने नहीं पड़ता, अग्नि जलाता ही है, उसका स्वभाव हो गया। वो हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी थे, मस्त राम थे, एकदम अवधूत ब्रांड, और उनको हाइड्रोसिल हो गया था, इतना जैसे फुटबॉल हो। महात्मा को तो शरीर का चक्कर ही नहीं, मस्त पड़े रहते थे। तो एक जवान लड़का जब गया अपने बड़ों के साथ नमस्कार करने के लिए, और जब ये बैठे हुए थे उनको देख करके बड़ा जोर से हंसने लग गया, ये महात्मा है बीमार हूं। और जब हंसने लग गया तो सबने कहा कि ऐसा मत हंसो महात्माओं के प्रति, वो नहीं क्या महात्मा है बैठा है फुटबॉल लेकर के। और जब जोर जोर से ठां ठां के हंसने लग गया तो महात्मा जी ने कहा अरे भैया क्यों हंस रहे हो, पागल हो गए क्या? वो पागल हो गया। देखो उनको ये कहना नहीं था कि तुम पागल हो, उनके संकल्प में ये शक्ति आती है क्योंकि उनका मन संयमित है। इसीलिए शाप दो या आशीर्वाद दो, हमको जो भी लोग कहते हैं ना महाराज आशीर्वाद दो, हमको हमने हमको नहीं आता आशीर्वाद देना। देखो कुछ देना ही है तो प्यार दो, आशीर्वाद क्या देना है? आशीर्वाद देना कैसा होता है मालूम है? जैसे हम डॉक्टर के पास गए बीमारी को लेकर, डॉक्टर साहब दवाई दो, महात्मा जी आशीर्वाद दो। डॉक्टर ने दवाई दी आपकी बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद डॉक्टर मरे क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार से महात्मा के पास गए आशीर्वाद दो, काम हो गया, उसके बाद बाढ़ में गए महात्मा, ऐसे नहीं होता अध्यात्म। हमको इस सापेक्षता के जगत से मुक्त होना है। तो फिर एक चिंतनात् नाशम इत्यदः, तो अपने मन को एक में लगाओ, केवल एकमात्र। तो विषय अनेक, उसमें से एक विषय को पकड़ो, शब्द उसमें अनेक शब्द, अनेक शब्दों को प्रकाशित करने वाली श्रवण शक्ति एक। इस श्रवण शक्ति के अनेक भेद मांद्यत्व पटुत्व, इस श्रवण शक्ति को प्रकाशित करने वाला मन एक, इस मन के विकार अनेक, इन विकारों को जानने वाली बुद्धि एक। यह बुद्धि वैयक्तिक है इसीलिए अनेक,
जो समष्टि बुद्धि है उसी को कहते हैं महत्तत्व। और ये जो महत्तत्व है वो भी प्रकृति अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, और यह अव्यक्त परमात्मा की शक्ति है, और इस शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जिसके कारण इसका अस्तित्व है वह शुद्ध तत्व एकमात्र है। देखो, यह जो मार्ग क्रमण है इसको कहते हैं अध्यात्म। हमारे भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के दो मंत्रों पर जो भाष्य लिखा है बहुत सुंदर है। मंत्र है इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। अब इसमें देखो पर शब्द कितने बार आया, 8 बार आया। इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। 8 बार। यदि इस पर शब्द को ठीक से समझ लो तो इस मंत्र का जो सूक्ष्म भाग है वो ग्रहण हो जाएगा। पर शब्द का अर्थ है पर माने सूक्ष्म, पर माने कारण, पर माने प्रत्यक। इन बातें तो जैसे शब्दों का कारण है इंद्रिय, इंद्रियों का कारण है मन, मन का कारण है बुद्धि, समष्टि बुद्धि व्यष्टि बुद्धि का कारण है, और यह जो समष्टि बुद्धि उसको महत्तत्व कहते हैं। यह महत्तत्व अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, और ये जो अव्यक्त है ये पुरुष की शक्ति है, और इस पुरुष के परे कुछ नहीं है, और यही पराकाष्ठा। इस प्रकार से जैसे जैसे आप चिंतन करो तो देखेंगे सब कुछ गायब हो जाता है, और जो चिंतन करने वाला है मैं चिंतन कर रहा हूं वो भी समाप्त हो जाता है। तो मन को मारना माने क्या, हमारे मन के दो भाग है। एक तो है मन विषयों को ग्रहण करता, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब जिसका मन सुनने में है वो तो सुन रहे हैं, और जिसका मन भटक रहा है वो दे आर ओनली हियरिंग दे आर नॉट लिसनिंग। मन नहीं है पीछे इंद्रियों के तो क्या सुनेंगे। तो पहला मन का भाग सुनना या विषय को ग्रहण करना। अब दूसरी बात बता दें, किसी भी विषय को ग्रहण करने के बाद उस विषय के बारे में हमारे मन में चिंतन शुरू हो जाता है, माने पहले परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। किसी वस्तु व्यक्ति को देखा और वही चुप हो गए तो हमारा मन दर्पण तुल्य है, लेकिन किसी वस्तु व्यक्ति को देखा उसके बाद हमारे मन की कमेंट्री शुरू हो गई, अरे ये वस्तु थी मुझे मालूम भी नहीं था, बड़ी अच्छी है, आवश्यक है, सुख का कारण है, मुझे जब तक ये वस्तु मिलेगी नहीं तो क्या जी के क्या करेंगे, संसार शुरू। यदि देखो और वहीं रुक जाओ तो ये जो दूसरा भाग है हमारे मन का प्रोजेक्शन। अब देखो अपने ही जीवन में हर चीज के बारे में हमारे कोई ना कोई कमेंट होंगे, इवैल्यूएशन होगा, कंपैरिजन होगा, सजेशन होगा, कोई भी चीज ले लो, और इसीलिए
कामिनी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, हो गया कमेंट, और उसी से संसार शुरू होता है। हम ये प्रश्न कभी पूछते हैं क्या, अग्नि क्यों गर्म है? स्वीकार कर लिया अग्नि गर्म है, उसके बाद अब उसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो डिसाइड करो। नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्यों गर्म है, जला लो अपने आप को। देखो महाराज, यह जो मन का दूसरा भाग है, ये बहिर्मुखी मन का भाग है, इसको चिंता कहते हैं। और यही मन का भाग जब अंतर्मुखी हो जाता है तब चिंतन कहते हैं। हमको इस वेदांत के अध्ययन के द्वारा चिंतन करना सीखना है, बाकी जगह में आपको चिंता करने में लगा देते हैं। देखो तुम्हारा ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने एक गधे को लात मारी थी और इसीलिए वही गधा इस जन्म में आके तुमको मार रहा है। कौन है वो? आपका पुत्र? अच्छा। देखो महाराज, इसीलिए यह परमात्मा क्या है, कैसा है, ये हमको बताओ। तो कहते इदम रूपम तो यद यावत तत्त्यक्तुम शक्यते अखिलम अशक्यो ही अनिदम रूपम स आत्मा बाधवर्जिता। तो हमने ये देखा कि परमात्मा किसके जैसा नहीं होता, उसके जैसा कुछ है ही नहीं, तो किसके साथ कंपेयर करोगे? एक मैंने कही स्टोरी पढ़ी, बड़ी सुंदर थी। एक चाइनीज लड़की थी, उसका चेहरा बड़ा विचित्र था, तो उसने पूरी प्लास्टिक सर्जरी कर ली और बड़ी सुंदर हो गई, और फिर किसी के साथ शादी कर ली। अब शादी करने के बाद बच्चा हुआ, बच्चे की तो सर्जरी नहीं करी थी फेशियल, बच्चा तो वैसे ही निकला जैसे वो ओरिजिनल थी। अब उसका पति कहता है, ये बेटा मेरा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा भी नहीं हो सकता, अब किसका है? तो ये किसके जैसा है, ना तो माँ के जैसा है ना तो बाप के जैसा है। तो ये जो परमात्मा है किसके जैसा है, किसके जैसा नहीं होता है, अपने आप में ही है। इसीलिए इद्रुष एंड तादृश, इसके जैसा उसके जैसा। इसके जैसा माने हम जगत के विषय वस्तु के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके जैसा माने परोक्ष, परोक्ष माने जिसके बारे में हम केवल सुने हैं, उसका अनुभव नहीं हुआ। देखो तो जो इदम और इत्थम इसके परे है वो अपना स्वरूप है, इसीलिए कहते हैं इदम रूपम तो यद यावत तत् त्यक्तुम शक्यते अखिलम। जिसको जिसको हमने इदम माने अनात्म भाव से ग्रहण वस्तु को इदम कहते हैं। देखो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना और वेदांत का ज्ञान होना, इसमें बहुत फर्क है। संस्कृत यह भाषा है, वेदांत यह शास्त्र है, लेकिन कई बार यही भ्रांति हो जाती है। जैसे एक आदमी अंग्रेजी जानता था और बोले मैं जानता हूँ अंग्रेजी, कंप्यूटर तो ऐसे ही पढ़ लूंगा, अंग्रेजी जानता हूँ ना। फिर उसमें कहा कि अब माउस लेके क्लिक करो, तो गया मार्केट में एक माउस ट्रैप लेके आया, उसमें एक माउस रखा, अब क्या करो उस माउस का? अरे बाबा, अंग्रेजी में माउस का अर्थ भिन्न होता है, कंप्यूटर में भिन्न होता है, स्पेलिंग एक ही है। इसी प्रकार से इदम शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ है यह, पूर्णमदः पूर्णमिदम। देखो यह अदः माने वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, जगत पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, जीव पूर्ण है, इदम माने यह। लेकिन वेदांत में इसका अर्थ यह नहीं है, इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं।
तो कहते हैं इदम रूपम तो यद यद यावत तद त्यक्तुम शक्यते अखिलम, जिसको जिसको हमने अनात्म भाव से ग्रहण किया है उसका त्याग हो सकता। देखो कैसे हमने रूप रंगों को देखा उसका त्याग हो सकता है, आंखें बंद कर लो। इंद्रियों का त्याग हो सकता है, मन में पहुंच जाओ। मन का त्याग हो सकता है, नींद में चले जाओ। नींद का त्याग हो सकता है, जागृत में आ जाओ। जागृत का त्याग हो सकता है, सपने में चले जाओ। जिसका जिसका त्याग हो सकता है वो अनात्म भाव है, और जिसका त्याग नहीं हो सकता है वो आत्म भाव है। आप देखेंगे आप ये चारों प्रकार की अनुभूतियां आती जाती है, लेकिन एक तत्व ऐसा है वो ना कभी आया ना कभी गया। पृथ्वी घूमती है, प्रश्न पूछ सकते पृथ्वी कहाँ है। पानी हिलता है, प्रश्न पूछ सकते पानी कहाँ है। अग्नि जलाती है, प्रश्न पूछ सकते कि कहाँ अग्नि छिपी है। वायु बहता है, पूछ सकते हैं कि वायु बहुत जोर से बह रहा है। लेकिन ये प्रश्न होता है क्या, आकाश कहाँ है? Unless it is the name of your husband. आकाश कहाँ है? कहाँ नहीं है, सब जगह। तो जिसका त्याग नहीं हो सकता सबका त्याग हो सकता है। इसलिए इदम रूपम तो यद यद तद त्यक्तुम शक्यते अखिलम, और अशक्यो ही अनिदम रूपहा, जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता, जिसको यह इस प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो कहते स आत्मा बाधव अर्जिता, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। बाधव अर्जिता उसको आत्मा कहते हैं। अब मुझे बताओ जिसने इस परिभाषा को ठीक से स्वीकार कर लिया है, पहले स्वीकार करना पड़ेगा, वो इस चक्कर में पड़ेगा क्या कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मुझे चश्मा लग गया है, इसका एक आपको थंब रूल बताते हैं। जो अनुभव आके चला जाता है वो मन का खेल है, कुछ भी अनुभव आप ना कहीं से आए हो ना कहीं जाना है, हम में ही सब कुछ है। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं, सबका सब मैं में ही है, और इसी मैं को हम पहचानते नहीं। तो कहते हैं अशक्यो ही अनिदम रूपहा स आत्मा बाधवर्जिता, यहां तक के इसको कहते हैं आत्मख्याति, आत्मज्ञान। केवल आत्मज्ञान काफी नहीं है, अभी इस आत्मा का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, ये हमको आगे जाके करना है। इसी को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, नहीं तो व्यक्ति इसी में फंसा रहेगा। देखो और फिर मैं आत्मा बाकी के अनात्मा, और मैं ज्ञानी बाकी के अज्ञानी, मैं अच्छा बाकी के बुरे, फिर ये भाव बना रहेगा। और जब तक के द्वैत का भाव होगा तभी तक के आशीर्वाद, तभी तक के शाप होगा। जहां द्वैत का भाव खत्म हो गया ना वहां आशीर्वाद है ना शाप है। हमने उदाहरण दिया था आपको, जब अपनी जीवा अपने ही दांतों से कटती है तो जीवा दांतों को शाप नहीं देती, और जब ये जीवा दांतों के बीच में अड़ा हुआ खाना को निकालती है खोद खोद करके, तब दांत जीवा को थैंक यू डियर ऐसा कार्ड नहीं भेजते। कारण ये दिखने के लिए दो है, माने भेद का दर्शन होना एक बात है और भेद भाव करना दूसरी बात है। व्यावहारिक दृष्टि से हम सब भिन्न है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी महात्माओं का ज्ञान कहाँ होता है, तुम बताओ। बोले सर मैं, ठीक है, फिर हमको पैर को क्यों नमस्कार करते, हमने कहा अभी चंपी करो।
ज्ञान जहां है सर में, नहीं क्या कारण है इसका? हमने कहा उनके ज्ञान सर में है या पैर में है, ये तुम्हारी भ्रांति है। ज्ञान कहां नहीं है? हमको ज्ञान माने एक रसगुल्ला लगता है कि दिमाग में रखा हुआ ज्ञान है। इसीलिए यह जो हमने आत्म स्वरूप से पहचान लिया, अब यह आत्मा ही ब्रह्म है ये हमको समझना है। माने क्या? पति को ये समझना है कि पति ही आदमी है, पत्नी को ये समझना है पति ही परमेश्वर है। इसीलिए इसको पीपी कहते हैं, पति परमेश्वर। तो कहते हैं सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम ज्ञानत्वम तु पुरेरितम स्वयमेवानुभूतित्वान इत्यादि वचने स्फुटम। इस प्रकार से जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता वही सत्य है, वही आत्मा है, और यही ब्रह्म का लक्षण बताया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत स्वरूप से आत्मा ही ब्रह्म है। अब ज्ञान स्वरूप से कहते हैं हमने स्वयमेव अनुभूतित्वान इत्यादि वचने स्फुटम पुरा ईरितम। हमने 13वें श्लोक में देखा था कि अपने स्वरूप का ज्ञान के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा सत्स्वरूप है जिसका कभी बाध नहीं हो सकता, यही आत्मा चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए इसके किसी के अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, और इसीलिए यह आत्मा ही ब्रह्म है सत और चित के दृष्टि से। लेकिन एक आनंद और बचा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये अनंत क्या है? कहते हैं व्यापित्वात् देशतो अन्तः नित्यत्वात् कालतापि न न वस्तुतोपि सर्वात्म्यात् अनंतम ब्रह्मणि तिरा। ब्रह्म में जो अनंत कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत माने किसके द्वारा अंत होता है? अंत माने छिन्न करना, परिच्छिन्नता। तो ब्रह्म के बारे में क्या बताते हैं? व्यापित्वा देशतः न अंतः, ब्रह्म सर्वव्यापी है, इसीलिए यह का देश जो है ये परमात्मा में है। ध्यान से सुनना, इसको कहते विपरीत बुद्धि। किसको? हम आभूषण देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं क्या आभूषणों में सुवर्ण है? ये उल्टी बात हो गई। सुवर्ण में आभूषणों के नाम रूप अध्यारोपित किए गए, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है? आभूषण नाम की कोई वस्तु है उसमें सुवर्ण रखा है। वास्तविकता क्या है? सुवर्ण असली है, उसमें नाम रूप अध्यारोपित किए गए। इसीलिए जब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो हमने ये आकाश को सत्यत्व प्रदान किया है, उसमें भगवान फैले हुए हैं, ऐसे नहीं, परमात्मा में आकाश है। तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निर् आपः, अग्न्यः पृथ्वी, पृथ्वी अंतरिक्ष, एक 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 बात आ जाती है। इसीलिए व्यापित्वात् सर्वव्यापी होने से देश का आकाश का इसमें कोई या देश का उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। नित्यत्वात् नापि कालतः, और यह नित्य होने के कारण काल की दाल इसमें नहीं करती, नित्य। आगे कहते हैं न वस्तुतः अपि सर्वात्म्या, ये सभी वस्तुओं में होने के कारण इसको कोई भी वस्तु परिच्छिन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार से ब्रह्म में अनंतत्व तीन प्रकार से है। तो हमने सत्यम देख लिया, ब्रह्म का लक्षण हमारा लक्ष्य एक ही, और चित देख लिया, ज्ञानम देख लिया, ब्रह्म का लक्षण हमारा लक्षण एक ही है। अब ये अनंत का बात करते हैं। देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादि कृतो अनंतोस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुटं तदा। अब ये देश काल वस्तु क्या है? ये केवल कल्पित है, वास्तविक नहीं है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं
तब हम कहां होते हैं? कमरे के अंदर की कमरे के बाहर? जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब हम देह के अंदर है कि देह के बाहर है? जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब हम स्त्री है कि पुरुष है? सब गायब, लेकिन होते जरूर है। और इसीलिए यह देश काल वस्तु ये केवल कल्पित मात्र है, और इसी कल्पना से हम चल रहे हैं। हम सबकी अपने बारे में एक कल्पना है, एक इमेज है, मैं अच्छा हूं, मैं सबको मदद करता हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपनी ही इमेज है अपने बारे में। दूसरों को पूछो मालूम है। तो हमारी अपने बारे में जो इमेज है और दुनिया की हमारे बारे में जो इमेज है, इसमें जब तफावत आ गई संसार शुरू। देखो इसीलिए कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मणि आनन्त्यं स्फुटं तदा। तो यह देश काल वस्तु केवल कल्पित है। कैसे कल्पित है? मन के द्वारा। ध्यान से सुनना, जहां मन को लपेट लिया वहां देश नहीं। बहुत पुरानी बात है, अभी वो लड़कियां बड़ी हो गई, शादी भी हो गई। जब वो छोटी थी तब हम लोग गए थे स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे, फिनलैंड और आर्कटिक सर्कल, उधर घूमने गए थे। तो ये दोनों लड़कियां मेरे दोनों साइड से बैठी पिछले सीट पर। पति कार चला रहा था, पत्नी पति को चला रही थी, और मैं पीछे से आनंद ले रहा था। और ये दो कन्याएं एक इस खिड़की के पास बैठी, एक इस खिड़की के पास बैठी, मैं सेंटर में, मुझे सेंटर से सामने का दिख रहा था। बहुत ही सुंदर माहौल। अब बच्चे तो बच्चे थक गए होंगे, दोनों सो गई। तो उनकी माँ कहती, स्वामी जी उनको जगाओ, इतना पैसा खर्च करके आए हैं और उनको देखना नहीं गया ये सब। हमने कहा भाई देखो भाई, पैसे खराब हो रहे, उठो। अब कहाँ है नॉर्वे, कहाँ है स्वीडन, कहाँ है फिनलैंड? देखो जब तक मन है तभी तक ये दुनिया है। जहां मन सो गया, मन गायब, दुनिया गायब। और मन क्या है? मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम। जहां आप मन का चिंतन शुरू कर दो, मन गायब हो जाता है। जैसे आंखों के द्वारा हम अन्य वस्तु को देख सकते हैं, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से मन केवल अन्य का ही चिंतन कर सकता है। अपने स्वयं के चिंतन में मन लग जाता है, उसी समय मन गायब हो जाता है। यदि ये साधना समझ लो तो जहां आप डिस्टर्ब हो गए, एकदम चिंतन शुरू कर दो, कौन डिस्टर्ब है, तो पता चलेगा पति डिस्टर्ब है। अब पति की इन्वेस्टिगेशन करो, कौन है ये पति? विवाह के दिन जिसका जन्म हुआ था, पहले कहां था? था ही नहीं। और ये जो पति दुखी हो रहा है, अच्छा गहरी नींद में कहां जाता है पति? मालूम नहीं। क्यों? हो तब जाएगा ना। तो मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, जितने रिश्ते नाते हैं, एक कल्पित मात्र है। एक कल्पना करते हैं मैं उसके साथ सुखी हो जाऊंगी, वो कल्पना करता है मैं इसके साथ सुखी हो जाऊंगा, और दोनों शादी करते हैं और फिर दोनों को अपनी गलती समझ में आती है और फिर कहते हैं, स्वामी जी हमने म्यूचुअली डाइवोर्स कर लिया। उसके पश्चात डाइवोर्स करने के बाद उसी घर में रहेंगे, वही रहेंगे, लेकिन वो पति पत्नी नहीं है। तो सवाल ये है, ये पति पत्नी कहाँ गए? इसीलिए आजकल की जो लड़कियां शादी करती है ना, अपने बाप का टाइटल छोड़ती नहीं। रीना रॉय
getting married to Saurabh Ganguly. तो शादी के बाद उसका नाम क्या होगा? रीना रॉय गांगुली. दोनों को आना चाहिए. उसकी एक लड़की हो गई, फिर वो क्या नाम लिखेगी? समझो उसका नाम है कल्पना. कल्पना रॉय गांगुली और कोई होगा चौधरी. चौथी पीढ़ी आई तो उसमें टाइटल ही ज्यादा हो गए, नाम हो गए ही नहीं कुछ. देखो महाराज, ये सब मन का खेल है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना. जितनी समस्या है मन को नहीं समझने से. इसलिए कहते हैं कल्पितत्वाच्च मायया, ये केवल माया का चक्कर है. आप में से जो स्वयं होकर के सीखने की इच्छा से आए हो, आपको बोर नहीं हो रहा है. जिसको बांध के लाए हैं रस्सी के साथ, चलो ना, अच्छा मैं आ जाता हूं, वो एक एक मिनट में घंटी घड़ी देखते होंगे, खत्म ही नहीं हो रहा, बाबा जी गर्म होते जा रहा है. देखो महाराज, हमारे आइंस्टीन महाराज का जो लॉ ऑफ रिलेटिविटी है वो यही है. किसी अच्छे इंटेलिजेंट लड़की के साथ 8 घंटे बैठे हो तो पता नहीं चलता यार 8 घंटे कैसे निकल गए, और किसी बुढ़ाओ के साथ 3 सेकंड बैठो तो खत्म ही नहीं हो रहा. लॉ ऑफ रिलेटिविटी. इसीलिए संतो, इस मन के परे जाना है तो इसीलिए ब्रह्मणि अनंत्यम स्फुटम ततः. तो जैसे ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम अनंतम है, उसी प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म यद वस्तु तस्य तद ईश्वरत्वम च जीवत्वम उपाधि द्वयकल्पितम. तो यह जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, इसमें 2 उपाधियों का अध्यारोप करने के कारण एक ही तत्व अब 2 प्रकार से कहा जा रहा है. वो ईश्वर भी है और वो जीव भी है. हमारे पिताजी के दृष्टि से हम निर्मित है, वो कारण है, हम कार्य है. हमारे बच्चे के दृष्टि से हम निर्माण करने वाले हैं, हम कारण है, वो कार्य है. तो हम कौन है? 2 in 1. हम कारण भी है, कार्य भी है. और ये फिर कारण कार्यता अनेकता किसके कारण निर्माण हो गई? उपाधि के कारण. इसी प्रकार से कहते हैं कि ईश्वरत्वम च जीवत्वम उपाधि द्वय कल्पितम. ये कल्पना ही करी है कि मैं पंचकोशों में फंसा हुआ हूँ, बंधन में हूँ, और ईश्वर की मजे है, ऊपर से देख रहा है, हमको परेशान कर रहा है. फिर क्या करे? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षव. फिर हम उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे दुख को हटाओ, क्योंकि मैं जीव हूँ और आप ईश्वर हो. भगवान क्या कहते? ज्ञानी तू आत्मा एवमेमतम. लेकिन ज्ञानी कौन है? जिसके दृष्टि से यह जीव जगत ईश्वर ये भेद डिसॉल्व हो गया है. एक ही आदमी उपाधियों के कारण 3 प्रकार से लखाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो 3 हुआ, रहता एक ही है. तो ईश्वरत्व जीवत्व उपाधि द्वय कल्पितम. अब ईश्वर की क्या उपाधि है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी. और जीव की क्या उपाधि है? अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ, अल्पव्यापी. और ये दोनों एक ही है, कैसे संभव है? ऐसे तत्वमसी महावाक्य के उपदेश का चिंतन शुरू होता है. तो वहां बताते हैं कि देखो, ये जो उपाधि के ही द्वारा आप बोल रहे हो, बिना उपाधि के बोल के दिखाओ. देखो
कल हमने आपको बताया था कि विचार बहुत सूक्ष्म है, इधर खूब ध्यान देना, मात्र शब्दों को ध्यान के पकड़ के रखना, शब्द मात्र। विशेषता निर्माण हो गई, ओह ये इनकी आवाज एकदम कितनी सुंदर है, इनकी आवाज फटे बांस के जैसी है। शब्द तो दोनों जगह सामान्य है, शब्द सामान्य है, मात्र है, लेकिन मीठी और खट्टी ये विशेषता आ गई। जहां जहां हमने विशेषता को महत्व दिया है वहां वहां संसार शुरू हो गया है। विशेषता क्या है? मैं अल्प शक्तिमान हूं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं अल्प व्यापी हूं, ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं अल्पज्ञ हूं, ईश्वर सर्वज्ञ है। हो गया भेद। लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञानी तो आत्ममेवमतम, वह ज्ञानी जानता है कि एक ही तत्व उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, लेकिन इस अनेकता की प्रतीति के कारण उसमें अनेकता निर्माण नहीं होती। यह आपका जो अनुभव इस समय का, उसको कहते हैं परमात्मा। इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा ही पढ़े लिखे नहीं, आप हो मात्र, कोई विशेषता नहीं है। जहां विशेषता आ गई, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, सुरा हो गया संसार। ज्ञानी तू आत्म में मतम, ज्ञानी वो है जो उपाधि के माध्यम से प्रकट होते हुए भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो ईश्वरत्व ज्योतत्व उपाधि द्वय कल्पितम, तो क्या करें? शक्तिर ऐश्वरी काचित सर्व वस्तु नियामिका आनंदमय आरभ्य गुढ़ा सर्वेशु वस्तु। तो ईश्वर की जो सर्व नियामिका शक्ति जो है वो आनंदमय कोश से प्रारंभ करके सब में गुढ़ा ढकी हुई रहती है। देखो गुढ़ा सर्वेशु वस्तुषु, यह परमात्मा की जो अनंत अचिंत्य शक्ति है, इस अनंत अचिंत्य शक्ति को रेफरेंस के अनुसार कभी शक्ति कहेंगे, कभी माया कहेंगे, कहीं भगवान की कृपा कहेंगे। वैष्णव तंत्र में उसको राधा कहते हैं या सीता कहते हैं, और शैव तंत्र में उसको शिव शक्ति कहते हैं। तो ये परमात्मा और उसकी शक्ति, अब इसकी क्या स्थिति है? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, यह है भी और नहीं भी और दोनों के परे है। ये कैसी है उसको उदाहरण से समझ लो। अंधकार, अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अब अभाव से किसी को कोई नुकसान हो सकता है क्या? देखो जैसे एक वंध्या पुत्र ने आकर के हाथ में पुष्पों की तलवार से मुझे मारा, कुछ नहीं होगा भाई, नहीं तो क्या करेगा? जो अभाव है वो हमको परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। तो ठीक है, अंधकार हमको प्रभाव नहीं करेगा, निकल पड़े और ठोकर लाए पड़े गड्ढे में, क्या हो गया यार? अंधकार का प्रभाव हो गया, माने अंधकार है। हाँ जी है। अच्छा कितना पुराना है अंधकार? इस गुफा में पिछले 40,000 करोड़ों साल से अंधकार है। बाप रे, इसको निकालने के लिए तो बड़ा टाइम लगेगा। तो एक माचिस की तिली जला लो, कितना भी पुराना अंधकार हो, एक तिली से खत्म हो जाता है। तो अंधकार की स्थिति क्या हो गई? वो है भी और नहीं भी। इसी प्रकार से परमात्मा की यह जो अनंत शक्ति है जिसको माया कहते हैं, सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो,
ये है इसीलिए कि हम उसके मारे हैं, और वो नहीं इसलिए कि उसका नाश नहीं हो सकता। भगवान जो कहते हैं ना भगवद गीता में सातवें अध्याय में, कल हमने देखा, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको क्रॉस करके जाना कठिन इसलिए है कि ये है तब ना, ये जो नहीं है उसको निराकरण करने का प्रयत्न कर रहे। भगवान की माया को हटा दूंगा, बहुत नाम ले लूंगा, शीर्षासन करूंगा, कुछ नहीं होने वाला, जो है ही नहीं कैसे हटाओगे। कल आपको बताया था जो सो नहीं रहा है उसको आप जगा नहीं सकते, जो सो रहा है उसको तुरंत जगा सकते हैं आप, हो तब ना। इसीलिए यह परमात्मा की शक्ति ऐश्वर्य काचित सर्व वस्तु नियामिका, और यह जो शक्ति है सबका नियमन करती है, और आनंदमय कोश से लेकर के सभी वस्तुओं में ये मानो छिपी हुई रहती है। और कैसे छिपी रहती है? वस्तु धर्मा नियम मेरम शक्त्या नैव यदा तदा, यदि यह शक्ति के द्वारा सभी वस्तुओं के जो गुण है उसका नियमन होता है। इसीलिए अग्नि हमेशा गर्म ही रहेगा। कल्पना करो, अग्नि कभी कभी गर्म कभी कभी ठंडा रहता है तो कैसा मजा आएगा। यदि कोई पत्थर को ऊपर फेंका तो वो कभी तो नीचे गिरे कभी ऊपर चला गया। कई बार बच्चों के साथ खेलते हैं ना हम लोग, उसको उठाया और फेंका ऊपर में, फिर पकड़ा, फिर बच्चा रोता है हंसता है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। समझो एक आध बार फेंका ऊपर चला गया, अरे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते वस्तु धर्मा नियम मेरन शक्त्या नहीं यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्या विप्लवे जगत खलु। तो क्या होगा, सोते समय तो पति था, उठने के बाद बाप बन गया? नहीं, पति ही रहेगा। जितने धर्म है वस्तु के व्यक्ति के हमेशा इसी शक्ति के द्वारा नियमन को प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो ये जगत का सत्यानाश हो जाएगा। चिच्छाया वेशत शक्ति चेतन एव विवादिसाम तत्शक्ति उपाधि संयोगा ब्रह्म एव ईश्वरताम रजे। तो यह जो परमात्मा की शक्ति है चिच्छाया वेशतः, अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय है। आपने जैसे ये लाइट है, ये लाइट जब इस बैकड्रॉप पर पड़ रहे हैं तो सबका सब लाइट ये बैकड्रॉप एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए यहाँ से दूसरा लाइट नहीं निकल रहा है। यदि यहाँ दर्पण हो तो क्या होगा, उस दर्पण में इस बल्ब का भी प्रतिबिंब होगा और वहां से भी दूसरा लाइट निकलेगा। जैसे इस लाइट का गुणधर्म क्या है, अन्य को प्रकाशित करना, वैसे ही यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका भी वही गुणधर्म है, वो भी अन्य को प्रकाशित करेगा। ध्यान से सुनना, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है दर्पण में से निकला हुआ, क्या वो लाइट इस बल्ब को प्रकाशित करेगा? इसको अपने में लगाओ, आंखों का लाइट रूप रंग को प्रकाशित करता है, रूप रंग का लाइट हमारे आंखों को प्रकाशित करेगा? मन का प्रकाश इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं कर सकते, चेतना का प्रकाश मन को प्रकाशित करता है, मन चेतना को ग्रहण नहीं कर सकता। परमात्मा की जो ऐश्वरी शक्ति है यह शक्ति चेतना को प्रकाशित करती है, चेतना इस ऐश्वरी शक्ति जिसको व्यक्तिगत में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और यह जो कुंडलिनी शक्ति है इसमें आके आदमी फंस जाता है, इसके परे जाना है। इसके जो परे चले जाते हैं वही हिरण्यगर्भ को क्रॉस करके जाते हैं, नहीं तो इसी में रह करके फिर बस यहां तुम आ जाओ, अपनी इच्छा को लेकर के इच्छा पूरी कर लो। आप देखेंगे जहां जहां इच्छा को पूरी करने की बात होती है, जहां जहां साधु संतों की समाधियां है,
जहाँ कहते हैं यहाँ आकर के आप अपना मन्नत मांगो, आपकी इच्छा पूरी होगी, वहाँ लाखों करोड़ों में लोग जाएंगे और जहाँ आपको बताएंगे यहाँ आपको इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी, क्या करेंगे फिर जाके? अध्यात्म इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता, अध्यात्म वही है जहां इच्छाओं का अभाव है। कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के यमराज यही बात कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिताः, यदा सर्वे कामाः वृद्धिश्रिताः प्रमुच्यन्ते, जब हमारे हृदय में एक भी कामना बाकी नहीं रहती, तदा उस समय मर्त्यः अमृतो भवति। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, वो समझ नहीं है कि मरने के बाद रियलाइज हो जाएंगे। और इसीलिए जिसको जगत में कुछ करना है उसके लिए प्रभु अभी बहुत दूर है, अभी धक्के खाने जरूरी है, खाओ खूब धक्के, एक आध धक्का उस नींद से उठा देगा। देखो इसीलिए तो ये परमात्मा की शक्ति को धारण करने से परमात्मा को ही ईश्वर कहते हैं। और फिर कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम, और वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तो उसको जीव कहा। माने माया के या परमात्मा के शक्ति को धारण करने के बाद परमात्मा को ईश्वर कहा, और उसी परमात्मा को जब पंचकोशों की उपाधि धारण की तो जीव कहा। माने एक ही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तो ईश्वर है, और अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो जीव है। उपाधि के कारण अनेकता है, वास्तविक एक ही है। तो पिता पिता महश्चय कहा, पुत्र पुत्रो यथा प्रति, तो जैसे एक ही व्यक्ति पिता पुत्र इत्यादि बन जाता है उपाधि के कारण। इसीलिए पुत्रा देहे विवक्षायाम न पिता न पिता महा, यदि आप बच्चों का रेफरेंस मत दे दो तो फिर क्या बोलोगे? जैसे बच्चे जब छोटे हैं तो क्या भाषा होती है, ये मेरा बड़ा लड़का ये मेरा छोटा लड़का है। और यही जब फॉरेन चले जाते हैं NRI के बाप बन करके, तो वहाँ इंट्रोडक्शन दूसरा होता है, ही इज माई डैड ही इज माई मॉम, पोजिशन चेंज हो गई। पहले होते हैं बाप के बेटे और फिर होता है बेटे का बाप। सत्य क्या है? दोनों झूठ है, सत्य आदमी है। देखो जो पुत्र पुत्र पुत्रादेर विवक्षायाम न पिता न पितामह तद्वन न एशो नापि जीवः शक्ति कोश विवक्षणे। इसी प्रकार से ये दो साधनाएं हैं, वेदांत की साधना पंचकोशों से मुक्त होना। ये पंचकोशों से मुक्त होने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? अन्नमय कोश से। और अन्नमय कोश से जितना मुक्त हो गए उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है जगत के वस्तुओं को लेकर के इच्छा के प्रभाव में आकर के हम सुखी दुखी नहीं होंगे। और फिर जो सूक्ष्म देह है जिसमें विज्ञान में मनोमय और प्राणमय कोश आता है, इससे मुक्त होना, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया हम रिश्तों में फंसेंगे नहीं। दो जगह आदमी दुखी होता है, एक तो संग्रह के कारण और दूसरा संबंध के कारण। संग्रह और संबंध से जो मुक्त है उसी ने वेदांत समझा है। आप अंदर झांक के देखो, दुख का एकमात्र यही कारण है, या तो अब संग्रह के कारण दुखी हो गए, इतना पैसा था, ये मोदी को क्या हो गया पता नहीं, एकदम फट से कर दिए नाड़े बंद, अब जिस बिस्तर पर हम सोते थे या वही जो पैसे थे अब बाथरूम साफ करने के लिए लगा रहे हैं। संग्रह किया था ना,
और उसी प्रकार से बच्चों को लेकर के क्या क्या कल्पना करके रखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इसमें ये नहीं होता, वो वो वो, अरे वो कोई फर्नीचर है क्या, उसका अपना जीवन है, लेकिन हम समझते नहीं. नो फॉर सर्टन चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट बॉर्न टू अस. जैसे हम मकान बनाते हैं, उसमें कोई किराएदार आके रहे और हमको पैसा दे, तो किराएदार कौन होगा, कैसा होगा, वेजिटेरियन होगा कि नॉन वेजिटेरियन होगा, दूध पिएगा कि मदिरा पिएगा, आपको क्या कंट्रोल है. आपने क्या निर्माण किया, मकान. इसी प्रकार से बच्चों के लिए देह मात्र निर्माण करते हैं, जो देही है, जो जीव है, वो माँ बाप निर्माण नहीं करते. इसी भ्रांति से संसार चल रहा है, नहीं तो इसका क्या बता सकते हैं. एक ही माँ बाप, उनके चार पुत्र. बड़ा लड़का बहुत ही शांत, अध्ययनशील, हमेशा प्रसन्न रहता है. दूसरा लड़का लीडर बना है, सबको परेशान करता है. तीसरा लड़का बिजनेस में लगा, पैसे कमा, दूसरा कोई धंधा ही नहीं. चौथा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है. ये चार उदाहरणों का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सब शूद्र है, जितने बिजनेस मैन है वो सब वैश्य है, और जितने पॉलिटिशियंस है वो क्षत्रिय है, और जितने साधु संत है वो ब्राह्मण है. अब एक ही माँ बाप से चार निकले, शरीर से देखो तो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन शरीर जीवन नहीं जी रहा है, शरीर के माध्यम से शरीरी जीवन जी रहा है. ये बात, इसको कहते हैं अध्ययन, इसको कहते हैं अध्यात्म. उसके लिए नहीं कि मामी जी आशीर्वाद करो मेरी तीसरी बार शादी हो जाए. देखो संतो, इसीलिए पुत्रादेर उपेक्षायाम न पिता न पितामह तद्वन्नेषो नापि जीवः शक्तिकोश अविवक्षणे. यदि आपने ये रेफरेंस पॉइंट हटा दो, देखो आप बोल नहीं सकते. यही हम आपको बताते हैं, जब ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप बैठते हो शांति से, पहला संकल्प लेना अपने हृदय में कि मैं प्रसन्न हूँ. ऐसे नहीं पता नहीं 5 मिनट हो जाए कि नहीं पूजा, मत करो ना. प्रसन्नता से ही करना है, ये तो मत करो. ऐसा करने से क्या होगा, भगवान परेशान होते, हाथ में माला लेंगे, सब भगवान परेशान, किसको बुला रहे यार. वो चक्कर नहीं है, प्रसन्नता से. दूसरी बात, अपने हृदय में अपने इष्ट देवता और गुरु महाराज है, तो डरने की कोई बात नहीं. देवता हमारा अंदर से संरक्षण करते हैं और गुरु महाराज अंदर से गाइडेंस देते हैं. तीसरी बात बहुत महत्व की, इस समय हम नोबडी है, रिमेन एज नोबडी. पति बनकर के ध्यान के लिए बैठो तो क्या होगा, सामने आपके मनश्चक्षु के सामने बेलन देवी आ जाएगी. बड़े मेडिटेशन करते बाद में तो गुस्सा करते रहते हैं, डंडा डंडा. प्रैक्टिस टू रिमेन एज नोबडी एज लॉन्ग एज यू कैन. जहां शुरू हो गया बोलना, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने. बुढ़ाओ लोगों का यही चक्कर है, हम लोगों को समझ में नहीं आता, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन अवर पास्ट, पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर. अब मेरे जैसे बुढ़ाओं को क्या फ्यूचर है बताओ, वेट कर रहे. एक बार मैं चाय पी रहा था, मुंबई की बात है, एक अम्मा टपकी, सर खाना शुरू,
स्वामी जी आप क्या कर रहे? मैंने बोला मौत का इंतजार कर रहा था। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब इंतजार पूरा हो गया, तुम आ गए ना। देखो महाराज, तो एवं ब्रह्म वेदेश ब्रह्म भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेश न जायते। तो एवं इस प्रकार से यहाँ ब्रह्म एव भवति स्वयं, इस प्रकार से जो परमात्मा को ब्रह्म को आत्म रूप से पहचानता है, ध्यान से सुनना, परमात्मा को अपने से अन्य रूप से रखना यह संसार है। परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना यह अध्यात्म है। Where knowing is being is the truth. जानना और होना ये अलग अलग नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। वो बनता नहीं, वो ब्रह्म है। बनेगा तो बनावटी होगा। जैसे संन्यास लेने के बाद आदमी सन्यासी बनता है, शादी के बाद पति बनता है, ये सब बनावटी है। हमारे भगवद गीता में 108 जोक है, ढूंढ के निकालो आप। एक जोक है, ने यस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। माने भगवान ये भी कहते अनित्य सन्यासी भी होते हैं, अदरवाइज नित्य सन्यासी कहने का क्या जरूरत है? यदि एक ही पुत्र है आपका तो आप कहोगे क्या ये मेरा बड़ा लड़का है? नहीं। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये हमको परमात्मा बनाता नहीं, अपने ही माध्यम से जहां से पहले जीवात्मा प्रकट हो रहा था अब वहीं से परमात्मा प्रकट होने लगेगा। जहां से परमात्मा प्रकट होता है उसको महात्मा कहते हैं, और जहां से जीवात्मा प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। और सीएच आत्मा कौन है? अब जी के क्या करेंगे। और परमात्मा कौन है? ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो महाराज, जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते इसको पहचान करके ही जीवन में कृतकृत्यता आती है। य एवं ब्रह्म वेदेश ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेव न जायते। और ब्रह्म का जन्म नहीं होता, और इसीलिए ऐसे महात्मा फिर जन्म नहीं लेते। तो ये आखिरी का मरना है? अरे बाबा, मरोगे ही नहीं, मरण असंभव है। आज तक कोई मरा नहीं। जो जो कहते हैं मैं मरूंगा मरूंगा, मर के तो दिखाओ, सब वेट कर रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।